आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह बेटा वाह, चाइना जो है सस्ता नशा फूक के बैठा हुआ है। अच्छी टैक्टिक्स है, वैसे बढ़िया टैक्टिक्स है। ब्रिटिशर ने हमको यही बोल बोल के जो है वो बर्बाद किया। और ये एक मैनिपुलेशन टैक्टिक होती है कि आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और एक प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे फिर आपको ये पता लग जाता है कि हाँ यार ऐसा है कि हम तो किसी काबिल है नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आपकी बुराई करते हैं बिना बात के, आपको नीचा दिखा रहे हैं। बहुत लोग इसके प्रेशर में आ जाते हैं, अरे तुम क्या कर पाओगे, भले ही, लेकिन वो सोचते रहेंगे और कहीं ना कहीं उनमें फिर वो बातें आने लगती है, सेल्फ डाउट होने लगता है। ऐसे कितने ही टैलेंट मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं अपने लाइफ टाइम में। क्यों? क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, अपना काम करते रहिए। ज़्यादा हो तो दो तीन और आप सुना दीजिए, उसको बात ही बंद हो जाएगी, वैसे भी बात बंद कर ही दीजिए ऐसे लोगों से। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है ना, क्रिकेट में भी चलता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत करता था ये। 2004 का जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टूर हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि वीवीएस लक्ष्मण हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वीवीएस लक्ष्मण पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल पाए थे, है ना। तो ये होती है मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। ब्रिटिश ने भी यही किया कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा ये बेकार वो बेकार, प्रेशर में आ गए हम। तो यही चाइना भी कह रहा है, कहीं ना कहीं वही बात है। चाइना बोल रहा है कि भारत की कोई अभी औकात नहीं है, मिलिट्री में बहुत पीछे हमसे भारत, मॉडर्नाइजेशन में बहुत पीछे है, हर एक चीज़ में हमसे बहुत पीछे है। नो डाउट चाइना की इकॉनमी हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ी है। चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट बहुत है। देखिए चाइना अपना कॉम्पिटिशन अमेरिका से करता है, जैसे पाकिस्तान अपना कंपटीशन भारत से करता है। भारत बोलता है भाई यार जाओ यार, क्या तुम हम ही से, हमारे बच्चे हम ही से निकले हो तुम पर जी। भारत चाइना से करता है, इंडिया चाइना एक बार, चाइना कहता है अरे यार नहीं नहीं आज नहीं। चाइना अमेरिका से करता है और अमेरिका कहता है अरे तुम अभी बहुत पीछे हो। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो यहां पर एक तो नाम अजीब सा है, ज़ियाऊ झाऊ, तो उन्होंने यही बोला है कि भैया देखो ऐसा है कि इंडिया जो है बहुत पीछे है, इसकी हम पुष्टि करेंगे। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? अब देखिए हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना बहुत आगे बढ़ा। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? एक समय पे चाइना की इकॉनमी बहुत पीछे हुआ करती थी, जब तक माओ ज़ेडोंग थे, सिर्फ रेवोल्यूशन हुए, चाइना की इकॉनमी बर्बाद। ये तो डेंग ज़ियाओपिंग जब आए तब चाइना की इकॉनमी एक लेवल ऊपर गई है। तो ये पूरा का पूरा इतिहास आप समझ सकते हैं ये शानदार ऑडियो बुक में, राइज ऑफ चाइना। और मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर जिसने पूरे चाइना के इतिहास को बदला वो है कल्चरल रेवोल्यूशन, किस तरीके से सबको भगा भगा के मारा गया। तो सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा चाइना के बारे में, और इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो कि हर दिन लगभग 1.5 लाख घंटा हो गया, और हर महीने यहाँ पे 4200+ आज का कंटेंट ऐड हो रहा है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकले, नागासाकी हिरोशिमा, सारी ऑडियो बुक सुन के आप अपनी जिंदगी को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो बहुत अच्छा मौका है। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50, और जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करोगे 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। ओके, तो ये देखिए, करेंटली इंडिया इज इनकेपेबल ऑफ चैलेंजिंग चाइना इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड थस पोजेस नो सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री, चाइनीज डेलीगेशन टोल्ड द मीडिया ऑन द साइडलाइंस ऑफ शांग्रीला डायलॉग। डिफेंस के लिए शांग्रीला डायलॉग होता है, 50 देशों के प्रतिनिधि यहां पे आते हैं, भारत के भी, आईबी रॉ, सब लोग वहां पे जाते हैं, इन सिंगापुर, जो कि सिंगापुर में हो रही है। द डेलीगेट्स ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी सेड इंडिया स्टिल फार फ्रॉम कैचिंग चाइनाज मिलिट्री, दिस दे एडेड वॉज स्पेशली ट्रू इन डिफेंस इंडस्ट्री। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। पहले आप देख लीजिए, इनका नाम है ज़ियाओ ज़ियाओ, सीनियर कॉलोनल है पीएलए, और इन्होंने ये सारी चीजें बोली है कि भारत आ ही नहीं सकता क्योंकि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे है, मिलिट्री में बहुत पीछे है, हम जिस तेजी से मिलिट्री में आगे बढ़ रहे हैं उसका मुकाबला भारत कर ही नहीं सकता है, तो हम बहुत आगे हैं, भारत बहुत पीछे। इन्होंने पब्लिकली बोला है, ये ठीक है।
आप देखिए ये बात सही है, भारत आर्म्स इंपोर्टर रहा है 2018-2022, 31% जो हम टोटल वेपन्स है वो रशिया से आए हैं, बात सही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पे दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, भारत की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी की बात करें, ठीक है, उसके बाद चाइना आता है। भारत की आर्मी अगर पावर की बात करें तो चौथे नंबर पे है, भारत की आर्मी अगर प्रैक्टिकल में बात करें तो नंबर वन पे है या नंबर टू पे आप मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका की आर्मी वाकई बहुत ताकतवर है। ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं पहले, तो अच्छा पहले डेट ये देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला है, फिर उसके बाद बोला कि भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से क्वाड में जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहा है, और इसमें हालांकि हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो एससी हो चाहे ब्रिक्स हो, और चाइना भारत के रिलेशन स्ट्रेन हुए हैं क्योंकि जो क्लैशेस हुई हैं गलवान में तो वहां पे मुश्किल हुआ है, तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बोला है कि जो पीएलए डेलीगेशन, उन्होंने बोला कि चाइना और उनके नेबर हैं वो एशियन मॉडल, मतलब आप बाहर में मत जाइए, आप एशिया के ही लोगों को आइए, हम लोग बैठ के आराम से इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो यहां पे ना आए, वो थोड़ा सा दूरी रहे, है ना। अब क्वाड में दो तो वेस्टर्न है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। फिर ये भी बोला है कि चाइना जो है उसने 2027 तक डेडलाइन की है कि पीएलए जो है वो मॉडर्न फाइटिंग फोर्स में, शी जिनपिंग ने बेसिकली बोला है ये कन्वर्ट हो जाएगा, और एक एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि जो रिसर्च फेलो है उन्होंने ये बोला है कि चाइना जो है उनका अदर गोल यही है कि ब्लू वाटर नेवी 2035 तक और फर्स्ट क्लास मिलिट्री 2050 तक इनका टारगेट है। वैसे आपको मैं बता दूं, शी जिनपिंग ने अभी जब 2021 में चुन किया था उन्होंने साफ कर दिया था कि हम 2050 तक अमेरिका से ऊपर हो जाएंगे। चाइना बहुत तेजी से साइंस एंड टेक में आगे बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा खतरा है, हमारे यहां सब आपस में ही लड़े हुए हैं भाई, देखो हमको साइंस एंड टेक पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो चाइना ने बिल्कुल सही कही हैं, नो डाउट मिलिट्री में लगभग हर एक चीज आप देख लीजिए, फ्रिगेट्स हो गया, नेवी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, चाइना आगे है, भारत से काफी आगे है, चाइना की नेवी तगड़ी है, ठीक है। लेकिन 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 देखिए, सबसे पहली बात, ऐतिहासिक रूप से भारत को हराना नामुमकिन रहा है। भारतीय आर्मी ऐतिहासिक रूप से 3000 साल पहले से ही भारतीय आर्मी बहुत भयानक रही है, बहुत जबरदस्त रही है, तो यहां पे लगभग हम नहीं हार सकते, बहुत मुश्किल है इंडिया को हराना। अब इनको लग रहा है भाई डिसेंडेंट तो वही है ना, पूर्वज तो हमारे वही है, है ना भाई, कुछ भी हो हम कह रहे कि पहले राजपूत थे साउथ में, इधर चोला पांड्यास वो सब, ठीक है, फिर उसके बाद चलो मुगल्स आए, स्लेव डायनेस्टी है, बहुत मुगल्स के डिसेंडेंट भी आज भी आपको बहुत सारे, मतलब आप समझिए कि भारत की अगर हम आर्मी की ही बात करें तो भारत के लड़ाके इंटरमिंगल हुए हैं यहां पे आके, आप समझ रहे हो। अब हालांकि अब हम बहुत सारे मिलिट्री में, लेकिन चलो मिलिट्री का कुछ छोड़ दो, कहीं और सर्विस सेक्टर देख लो उसमें भारत डोमिनेट करता है, तो पूर्वज तो वही है ना, है ना, जन्म होता जा रहा है हमारी, आप समझ लोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन खून तो वही है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना ये बहुत ही बेकार बात बोल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में ये पता चल गया, रशिया दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, यूक्रेन ने बैंड बजा दी रशिया की, नो डाउट अमेरिका ब्रिटेन ने साथ दिया, बट वो सिर्फ साथ था, साथ से कुछ नहीं होता, रशिया पीछे हट रहा है बहुत जगह से, डैम उड़ा दिया भी यूक्रेन ने, पता है आपको। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बहुत मॉडर्नाइज्ड वेपन से उछलते कूदते हैं उनकी असलियत आप देख लीजिए क्या है। तीसरी बात, चाइना की जो आर्मी है, चाइना कभी लड़ाके रहे ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, चाइना वॉज अ वेरी वेरी पीसफुल किंगडम सिंस एंशियंट टाइम्स, सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी वहां से निकली, भारत में भी सेम हुआ, चाइना कभी बहुत अच्छे लड़ नहीं सकते, वो लड़ाके हैं ही नहीं, हां वो साइंस में बहुत अच्छा करेंगे नो डाउट, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं। 1800 से 1900 ये चाइना का ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड माना जाता है, जब हर एक चाइनीज भिखारी हो गया था, आपको पता है, जापान आया जापान ने मारा, पूरे मंचूरिया रीजन पे ब्रिटेन का कब्जा, जापान का कब्जा, और उस समय चाइना बहुत फैला हुआ था, कोरिया ओरिया सब चाइना के अंडर आते थे, और जापान एक एक करके सबको खत्म किया, जापान बहुत डेंजरस था और आज भी है, ये तो जापान ने, जापान जिस क्षेत्र में जाता है वो अपना दबदबा कायम करता है, पहले आर्मी में गया, आर्मी में बैंड बजा दी, पूरी दुनिया के बैंड बजा दी, रशिया इतना बड़ा एम्पायर 1904 में जाप रशिया को हरा दिया, एक साल के अंदर अंदर रशिया युद्ध हार गया, ठीक है, वहां से बहुत भारत का नेशनलिज्म इफेक्ट हुआ
कि जब जापान रशिया जैसे को हरा सकता है तो इकोनॉमी में अब जा रहे तो इकोनॉमी में बैंड बजाए हुए है, सारे जबरदस्त प्रोडक्ट, कार का मार्केट जापान के हाथ में, समझ रहे हो? और जिस मॉडर्न वर्ल्ड में तो जिसके पास पैसा वही सब कंट्रोल करेगा। तो चाइना जो कह रहा है 1800-1900 तक अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पूरा यूरोप और अमेरिका ने पूरा बांट लिया था चाइना को, समझ लीजिए। और बहुत बुरी हालत थी इनकी, बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। इनफैक्ट ये वर्ल्ड वॉर टू तक रही, 1945 तक रही, उसके बाद फिर जब रेवोल्यूशन हुआ फिर भी बहुत बुरी हालत थी। 1975 के बाद इनकी आर्थिक हालत सुधरे हैं, है ना, जब डेंग शियाओपिंग है, ये चीज है। तो चाइनीज कभी लड़ाके है ही बहुत अच्छे लड़ाके नहीं रहे। अगर आप भारत के मुकाबले देखें तो भारत बहुत ज्यादा, मतलब वो समझ लीजिए कि बुरी हालत। भाई इधर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, मंगोल आ ही नहीं पाया, मार मार के भगा दिया। राजपूतों ने तो इतना मारा कि क्या बताएं। विजयनगर किंगडम में ने तो बैंड बजा दी सबकी। तो आप ये समझिए कि इंडियन आर्मी अगर आप कंपेयर करो पुराने से तो हमेशा से बहुत ताकतवर रही है। चौथी बात, 1962 एक ऐसा वॉर था जिसने भारत हारा, लेकिन दोस्तों उस समय आपको सिनारियो देखना पड़ेगा। हमने इतना आर्मी पे फोकस नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू की इसमें गलती नहीं है, हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, ठीक है। उस समय उनको लगा कि चीजें ठीक जा रही है, आप किसी के ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हो और आपकी आर्थिक उससे चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आप डेफिनेटली आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि अब जैसे अमेरिका से हम इतना 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 भरोसा कर रहे हैं, अब कल को अगर अमेरिका युद्ध कर दे तो हम क्या कहेंगे? अब फिर वो आप 30-40 साल बाद बोलोगे कि अरे ये तो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो अमेरिका पर इतना भरोसा किया, वो कह नहीं सकते आप, समझ रहे हो? तो हुआ क्या कि चाइना से युद्ध हुआ हमारा और हमने गलती की, नो डाउट, हमने अपनी आर्मी पर इतना फोकस नहीं किया। और चाइना को माइंड यू बहुत जबरदस्त सपोर्ट था, और उस समय चाइना की आर्मी तगड़ी थी क्योंकि वो एक ऑलरेडी सिविल वॉर लड़के आई थी, कोरियन वॉर में वो अप्लाई कर चुके थे, उनके पास वो वेपन्स को वो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, हमारा ध्यान इकोनॉमी पे था और भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई, भारत ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन दोनों आपस में भारत, अब समझिए उस समय जब चाइना से युद्ध हुआ तो भारतीय आर्मी के पास जूते तक नहीं थे, उसके बावजूद बैटल ऑफ रेजांगला शैतान सिंह ने कितना मारा। चलो 1962 का युद्ध हो गया, अब 1967 में आइए, ईस्ट सिक्किम पे चाइना ने अटैक कर दिया। अच्छा 1962 के बाद 1965 में जब इंडिया को यह पता चला तो इंडिया ने फिर उसके बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई आप सबको पता है। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला पूरे पाकिस्तान पे ही कब्जा कर लो जाके, लाहौर तक इनकी आर्मी पहुंच गई थी, भारत की आर्मी कुछ नहीं होता, लाहौर अपने पास आ जाता, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट फिर साइन हुआ, हम सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री की बहुत ही विवादास्पद मौत, आज भी नहीं पता चला कि वो क्यों हुई, फिर उसके बाद ही होमी जहांगीर बाबा, तो खैर छोड़िए। फिर 1967 आता है, 1967 में चाइना ने फिर बदतमीजी की, ईस्ट सिक्किम में चाइना ने अटैक कर दिया, ठीक है, और उस समय भारत की टुकड़ी थी, चाइना का यही रहता है। अब समझिए क्या हुआ, उस समय भारत की स्थिति बहुत तगड़ी हो चुकी थी। हां चाइना उस समय में भी एक स्टेप आगे था, लेकिन इनको लगा ये क्या ही कर पाएंगे, इतना मारा चाइना को, इतना मारा, 400 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, आपको पता है 80 भारतीय सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए, और चाइना के लगभग 4-5 गुना, एक एक इंसान जो है वो 10-10 पे भारी था। चाइना वाइब्रेशन मोड पे आ गया था कि भाई हम छोड़ दो, भूल जाओ। फिर 1975 में प्रॉब्लम हुई, फिर चाइना को मारा भारत ने, 1980s में भी प्रॉब्लम हुई, फिर चाइना को मारा, इनफैक्ट गलवान घाटी में भी चाइना पिटा है, बहुत बुरा पिटा है। तो आप ये समझिए कि जो चाइना उछल रहा है ना, पहली बात सब काम नहीं आने वाला, क्योंकि लड़ाके हैं ही नहीं, जिस दिन युद्ध होगा भारत बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। चाइना के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, देखिए अभी हम चाइना पे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ये खाली कहने को है कि नहीं इकोनॉमी ये वो, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं, बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि मेड इन चाइना माल है सब, चाइना के जो डिफेंस इक्विपमेंट उसने पूरी दुनिया को भेजे वो सब बेकार है, वो अभी तक अप्लाई थोड़ी ना किए हैं, वॉर में कैसे चलेंगे, सब बकवास है ना। तो आप नंबर्स में मत जाइए, आप क्वालिटी देखिए, ठीक है, आप क्वालिटी देखिए। बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ था, या फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, बैटल ऑफ तराइन में मतलब महमूद घोरी को बहुत बहुत बुरी हालत थी उसकी, वो 20,000 की सेना लेके आया था। महमूद घोरी को पता था कि हम गए काम से, अगर हम ज्यादा टिक ही नहीं सकते, अगर ये 5-6 घंटे से बैटल ज्यादा चल गई तो हम मरेंगे,
हमारे पास कोई चारा नहीं है, पड़ा हुआ है महमूद घोरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, वहीं पे मार के खत्म करना चाहिए था, खेल खत्म करो उसका। पृथ्वीराज चौहान ने नैतिकता के आधार पर उसको जाने दिया। अब अगली बार वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, और इतनी छोटी की सेना के साथ धोखे से ही हराया। भारत में जितने भी युद्ध हारे गए सब धोखे से हुए हैं, सब धोखे से ही हरा, लेकिन हरा दिया प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत कम सेना थी। तो मैं वही बता रहा हूं, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। भारत की जो सेना है ना वो बहुत बहुत ही भयानक है, बहुत ही तगड़ी है, ठीक है। क्योंकि लीडरशिप, आप यूपीएससी का इंडिया का एग्जाम देके देखो, आपका सिलेक्शन ही, मेरे कितने दोस्त हैं, इनफैक्ट दोस्तों मैं 5 बार स्क्रीनिंग आउट एसएसबी, ठीक है, सिलेक्शन आर्मी हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेती है, वो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करती। दिमाग जो है ना, दिमाग एक तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले रही है, उसके बाद आपके दिमाग, अभी एक खबर आई थी ना आईआईटी कैट, वो वीर गति जो प्राप्त हुए थे, नाम बोल रहा हूं, उनके बेटे थे, उनको कैट से ऑफर मिला था आईआईएम, उन्होंने छोड़ के इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इस लेवल का, उस लेवल का जो है वो लीडरशिप आ रही है। 1971 में मात्र 13 दिन के अंदर, ऐसा आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं है कि मात्र 13 दिन के अंदर बदाई हो बांग्लादेश हुआ, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया था, पूरी सेना ने, और पाकिस्तान की भी आर्मी अच्छी खासी है ना, 90 लाख सैनिकों का सरेंडर था, ऐसा कभी नहीं देखा गया। और ये तब था जब भारत उतना एडवांस और पूरी दुनिया को पाकिस्तान का सपोर्ट था। तो ये जो चाइना की बात है ना, ये बेबुनियाद है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि थोड़ा बहुत मेंटल टैक्टिक्स खेली जाए, वरना जिस दिन फील्ड पे आएंगे बचेंगे दिखेंगे नहीं, ये मोमो बना के खा जाएंगे इनका हम लोग, ये चीज है। बट देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन जब चलता रहता है, ये सब चलती चीजें रहेंगी, और चाइना को खुद भी पता कि भारत सबसे बड़ा इकोनॉमिक मार्केट है, उसके साथ बैर करेंगे ना तो हमको तो मुश्किल होगी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल चाइना को होगी, क्योंकि चाइना के पास इतना जो पैसा आ रहा है वो भारत की वजह से ही आ रहा है, ये चीज है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, है ना, और मैंने कई बार आर्मी को भी कंपेयर किया है, तो आप देख सकते हैं चाइना इंडिया, चाइना पाकिस्तान। ये शानदार ऑडियो बुक राइज ऑफ चाइना आप जरूर सुने कुको एफएम पे, और जैसा कि हमने बताया अभी कूपन कोड आपको SGS50 यूज करना है, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाए। एक और चीज दोस्तों, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तो जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाए। थैंक यू सो मच।